फक साले को पकड़ 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 पकड़। आप सोच रहे होंगे कि एपिसोड स्टार्ट होते ही ये जूनियर्स और सीनियर्स की भसड़ कहां से शुरू होगी, तो आपको बता दूं कि पिछली बार मुझे कैंपस के अंदर कूटने के बाद हमारी एंट्री हुई सीधा डायरेक्टर के कमरे में, जहां उसने हमें इतना सुनाया कि हम कुछ बोलने के लायक बचे ही नहीं। कॉलेज के अंदर था इसीलिए बच गया, बाहर मिलता तो तुझे भी पता है क्या होता। गुस्सा बहुत आता है मुझे। लाला यार, जिनको गुस्सा बहुत आता है ना वो लोग ना अंदर बाहर नहीं देखते कॉलेज का, समझ आई? चौड़ा कंकड़ साले भैंसू। मेरे भाई कितना पतला हो गया तू, तेरी तो पहले गर्दन भी नहीं दिखती थी, अब तो फुल दिख रही है। नेकलेस पहना कर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सिक्स पैक्स कमिंग सून है। तुम फिर से लड़ने लगे, इसे कैंपस के बाहर ले जाओ और वहां ले जाके मारो, जाओ। यहाँ सीसीटीवी लगे हैं, सीसीटीवी पता नहीं कैसे हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नहीं आती। ऐसा आप बोलो सर, कॉलेज के बाहर मार सकते हैं क्या? ये शीशी टीवी क्या होता है? योगी अब घुट घुट के जीने लगा था। अपने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज प्रोफाइल पे धब्बा लगता देख उसके चमचे भी अब होपलेस हो गए थे। अब योगी के पास एक ही रास्ता था, हम सीनियर्स का कॉलेज से निकलने का वेट करना। पर एग्जाम्स हम दोनों सीनियर्स के इरादों के आसपास भी नहीं था। अगर कुछ था तो बस रोमांस बेपरवाह बेहिसाब सी, बिल्कुल खुली किताब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, देखा कभी जो ख्वाब था उतनी ही लाजवाब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, हर पल हर लम्हा ये है जो आफताब सी, ये जिंदगी अपनी यारा, ओ यारा मेरे, तारों के साथ साथ जो आए रातों में चांद सी, ऐसी ये यारी है अपनी, ओ यारा मेरे, ये हवाएं पूछती है खुशियों का हमसे पता, हम तो अपनी तुम में गुम, हमको दुनिया का क्या पता, हाथ रखा दिल पे जो तो धड़कनों ने कहा, छूटे जग सारा पर ना छूटे कभी ये यारियां। मैं है ये कह रहा था कि ऐसे फर्स्ट ईयर में ना कोई फेल होता नहीं है, तो इतने पढ़ने की जरूरत है नहीं तुम दोनों को। अच्छा, फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, जो हम जैसे बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ना होता है वो पढ़ते ही हैं। तुम दोनों भी आई वुड सजेस्ट क्लास में फेल होने से अच्छा है कि एक बार जितने भी लेक्चर्स मिस हुए एक बार चैप्टर्स देख लो एटलीस्ट। यार क्या यार, कल तक तो हम हिमाचल जाने की बात कर रहे थे और आज तुम ये एकदम से अप्लाइड फिजिक्स पे आ गए हो। नहीं यार ठीक नहीं है। बातें सुन रहे ना हमारी, ये साले फिर कुछ उंगली करेंगे। भैया हम सच में पढ़ने आए हैं। हाँ। मां कसम, और वैसे भी अंडरवर्ल्ड वगैरह का प्लान ड्रॉप कर दिया हमने एकदम। हाँ अश्विन भैया, अच्छा है ना सर दीवार पे मरवाने से अच्छा हम बुक्स पे मारना शुरू करते हैं। हाँ। और अच्छा है फर्स्ट ईयर है, हमें टाइम पे अकल आ गई। बहुत सही।
अरे वो बात नहीं है, मैं बताता हूँ ना क्या है कि कभी कभी पिटने के बाद लोगों को अक्सर अकल आ जाती है, तो वही हुआ इनके साथ, इनकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आ गई। ओके भैया, डेटिंग कॉलेज जूनियर से शुरू हुई ये जर्नी कब स्टडीइंग विद कॉलेज जूनियर, बंक विद कॉलेज जूनियर बन गई पता भी नहीं चला। और हमने भी कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लास्ट ईयर में इतना कुछ हो जाएगा। और हमारे जैसा सिर्फ एक ही इंसान था जिसके लिए सब अनएक्सपेक्टेड था। अरे वही जिसकी बहन एक लड़के के साथ कॉलेज में दिन भर घूम रही थी। आसमान कह रहा है आज कुछ हमें, ये जहान कह रहा है आज कुछ हमें, है गुलों की शोखियों में बात कुछ नहीं, आईना भी कह रहा है आज कुछ हमें, कुछ हुआ है दिल ये बेचैन आज है नहीं ठहरा है, होठों पर जो आए हंसी तेरी, कुछ हुआ है हवा में महक भी आज कुछ अलग सी है, कुछ अलग सा बहाना है, समय आशिकाना है, ये दिल का तू ठिकाना है, अचल दे हाथ था में हम बड़ी दूर जाना है, समय आशिकाना है, ये दिल का तू ठिकाना है, अचल दे हाथ था में बड़ी दूर जाना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं सेग्रीगेशन, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ओह भैया दो चाय कर दो प्लीज। भाई देख मैंने तो सोच लिया मैं अब इन सब टंटों में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं भाई अपना कर रहा हूँ पढ़ाई, बाकी तेरे को करना है तो तू देख ले भाई। अरे नहीं नहीं भाई तेरा फ्यूचर है देख मैं तो। अरे 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 भाई मैं भी पढ़ूंगा भाई तेरे साथ। अरे क्या रखा यार ये योगी भाई और ये गुंडागर्दी में। सही में यार देख तो नहीं रहा। अरे भाई सही है यार हाँ। छोड़ देंगे भाई, लेकिन एक बात बता भाई अगर ये सब छोड़ देंगे तो पैसे वैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा। अरे भाई ट्रेडिंग करेंगे ना। ट्रेडिंग? अरे भाई बिनोमो ना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसपे आप डिफरेंट कंपनीज की वैल्यूज को फोरकास्ट कर सकते हो कि उनकी स्टॉक्स की वैल्यूज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, और अगर आपका फोरकास्ट सही निकलता है ना तो इस पे आप 90% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो भाई। 90%? इतने तो अपने नंबर भी नहीं आए होंगे कभी। सही कह रहा है यार, मैं तेरे को करके दिखाता हूँ। देखो ये रहा बिनोमो का ऐप, और मैंने फोरकास्ट किया कि इसकी स्टॉक्स की वैल्यूज ऊपर जाएगी। ठीक है ठीक है, एंड सी मेरा फोरकास्ट सही निकला, आई गॉट द प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ना मैं अगले 24 घंटे के अंदर अपने बैंक अकाउंट या अपने पेटीएम वॉलेट के अंदर विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन भाई मेरे को ट्रेडिंग का ये तक नहीं आता। अगर तुम ट्रेडिंग में कच्चे हो ना तो तुम इसका डेमो अकाउंट यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर तुम्हें 65,000 तक का डेमो डिपॉजिट मिलता है, तुम उसको यूज़ करो और ट्रेडिंग करना सीख लो। ये तो बहुत सही है यार। अरे भैया चाय हुई कि नहीं? अरे लेना भाई ये ले भाई, तुम मेरी तरफ से स्पेशल चाय पी भाई ये ले। और कैसे हो तुम लोग? अरे योगी भाई एकदम बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? अरे यार मैं सोच रहा था ना कि तुम लोग को मोमोज की ट्रीट दे देता हूँ, क्लासेस कर करके थक गए होगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलो। नहीं नहीं योगी भाई एक्चुअली ना एक हफ्ते से पेट खराब है मेरा, कभी और करते हैं अपन। अरे यार योगी भाई पहली बार तो ट्रीट दे रहे हैं यार। अच्छा अच्छा तू चल ले मैं खा लूंगा बस। अरे योगी भाई सीनियर्स से हर एपिसोड में पिटने के बाद योगी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने ही दोस्तों पे निकाल दी, बेचारों को बहुत मारा। अब हमें दर्द तो हुआ और ऊपर से दिखने में तो बहुत फनी लग रहा था यार। आई मीन इट वाज एम्बैरेसिंग, और देखा भी किसने? आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी थी, आपके पास थोड़ा टाइम होगा? पापा वो लोग मुझे मोटा मोटा बोलते हैं कॉलेज में। वो लोग तुझे मोटा बोलते हैं क्योंकि तू मोटा है। हाँ पापा वो लोग ने एक बार मेरे बैग से 500 रुपए भी चुरा लिए थे। 500 रुपए कहाँ से आए तेरे पास?
पापा जाने दो ना, माफ कर दो पापा, सॉरी अगली बार से नहीं होगा पापा, छोड़ दो। मुझे तो लगा वीना ने दिए होंगे तुझे। नलायक, तुझे मैंने प्राइवेट कॉलेज के अंदर में इन हरकतों के लिए भेजा था। जाने दो पापा, लग रही है। पापा कैसे भी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमते रहती है, कभी आपने उसको क्यों नहीं बोला? और योगी ने फिर से हक दिया, और इस बार मुंह से। कब से चल रहा है ये सब? पापा पहले दिन से, जब से यशी कॉलेज आई है, और लड़का भी सीनियर है। अब तू मुझे आप बता रहा है? क्या हुई भाई? ओए यार गलत ही सीन है यार। ऐसे जोक्स कहाँ से लाता है? मैं मेरे पापा भेजते हैं मेरे को। यार कुछ नहीं, पापा भेजते हैं। गाइस भेजते हैं। गाइस वन सेकंड वन सेकंड। जादू। हेलो यशी बेटा। हाँ पापा। योगी घर आ गए, तुम कब तक आ रही हो? पापा बस रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। अरे बेटा योगी बता रहा था कि तुमने कॉलेज के अंदर में कुछ नए दोस्त बनाए हैं, अब साथ में हैं तो उनको घर ले आओ डिनर के लिए। पापा आजा बेटा आजा, 8 बजे से पहले आ जाना। ओके पापा। क्या हो गया है? गाइस यार एक बहुत बड़ा स्क्रू अप हो गया है। क्या? पापा को योगी भैया ने मनन और मेरे बारे में बता दिया, नाउ ही वांट्स टू मीट हिम। व्हाट? कांग्रेचुलेशन, अब तो बातें घर तक चली गई हैं। नहीं यार, अरे लुक एट इट, इधर दिखाइयो। ऐसा नहीं है यार, अरे लुक एट इट, यू ब्लशिंग क्यूट गाइस। कांग्रेचुलेशंस गाइस। गाइस यू डोंट नो माय डैड। क्यों? डॉन है। तू मैनन को नहीं जानती? अबे ये बातें इतनी करता है ना, इसको बातें बनानी तो आती है, और कुछ करना थोड़ी आता है इसको। ऑफ कोर्स सही बोल रहा है भाई तू एकदम। पर यशी तेरे को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तेरे पास तो मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं ना तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी चलते हैं तेरे पापा से मिलने। बोल क्या यार, टट्टी भाई टट्टी। इतना बिल्ड अप करा मैंने कि उसको बोला कि मनन क्या क्या नहीं कर सकता। मैं हूं ये इसको देंगे गाइस, लेट्स एंजॉय द मोमेंट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जिस दिन ये प्राइवेट कॉलेज के टीचर तुम्हें डंडे से मारना शुरू करेंगे ना, उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अंकल सॉरी, मेरी बेटी के साथ कहाँ घूम रहा था? नहीं नहीं अंकल, वो कॉलेज में मेरे दोस्त थोड़े कम हैं, इसलिए घूम रहा था। तो पिछले 4 साल कैसे काटे? वो ओ, 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 नहीं, एक दोस्त था मेरा, लेकिन अब वो कॉलेज नहीं आता है, तो मैं यशी के साथ हैंग आउट कर लेता हूँ। यशी तो बता रही थी कि तेरे फ्रेंड तुझे यहाँ छोड़ करके गए हैं। सॉरी अंकल, आई डिडंट मीन टू लाई। मैं तो तुक्का मार रहा था, यशी से तो मैं बाद में बात करूंगा। तेरा बाप तो बड़ा स्मार्ट है यार। हाँ बाप भी तो मेरा है। क्या इशारे चल रहे हैं ये? अंकल मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं क्या लगा रखी है? मैं यशी को लाइक करता हूँ, और मैं इसका सीनियर भी हूँ, तो इसकी हेल्प भी कर देता हूँ कॉलेज में। पता नहीं। हाँ पापा बहुत हेल्प करता है। अंकल मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। और तो और मैं मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे आते हैं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, और कम से कम 24 लाख का पैकेज मिलेगा मेरे को कॉलेज खत्म होने के बाद। साथा बोल दिया। सही कह रही है यशी। हाँ पापा ये टॉपर है कॉलेज का। चल ठीक है ऐश कर, जाऊं? चल जा। वो अकेले या फिर यशी के साथ?
समझ गया अंकल वो, हाँ मेरे को पता है रिजल्ट के बाद। हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे अंकल मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता था। बोल। आप ना बहुत अच्छे हो। मैं रिजल्ट आने के बाद ना मैं पक्का आपको एक रोलेक्स की घड़ी, एक फरारी की सवारी और एक होंडा सिटी गिफ्ट करूँगा, पक्का प्रॉमिस। एक और बात, हम तो दहेज लेने वाले लोग भी नहीं। अबे ओ, ये बातें ना कॉलेज से पास होने के बाद करियो। और एक बात सुन ले, अगर कॉलेज में तू फेल हो गया ना तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाइयो, समझा तू? जी अंकल। ओके जी, बाय बाय। घुमा फिरा के बाद बन ही गई। पहली बार किसी को इतनी खुशी से मारा यार। मारते टाइम साला बोलने पे अलग ही फील आ रहा था। कहानी का तात्पर्य बस वही है जो अंकल ने बोला कि भैया अपने काम से मतलब रखो बस, दूसरों की लाइफ में घुसोगे तो कुटाई निश्चित है। अभी बड़े टाइम के बाद आज मैंने साले को ढंग से पीटा। साला यार तेरा तो सही है, तेरा तो कॉलेज में ससुराल बस गया है। अरे मैं क्या कह रहा था कि मेरा ना बड़े टाइम से मन कर रहा था कि तेरी सारी ये पीटी खत्म हो जाए ना, उसके बाद एक ट्रिप का प्लान बनाऊं। ऐसे मस्त रिवर राफ्टिंग वगैरह, और तेरा ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम चाय, और फिर रात को अपना वो नदी के किनारे बियर, मजा नहीं आ जाएगा है? क्या कहता है, करूँ क्या? मारा मैंने, एक्टिंग करनी है साले को, हैं? बनाऊं क्या, ट्रिप करूं प्लान? यार अश्विन, यार तेरे को पता है ना अपनी वेकेशन ना खत्म हो गई है, और ये ट्रिप व्रिप मेरे से नहीं हो पाया। क्यों? यार देख एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं ट्रिप तो क्या, ये कोने वाले पनवाड़ी तक भी नहीं जा सकता भाई, इम्पॉसिबल, आई एम सॉरी यार। और फिर तुझे पता है यार कि अब एग्जाम्स में मैं अगर अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो कॉलेज में नाम होगा और अच्छी जॉब मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अच्छी जॉब, ठीक है? अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी, और अच्छी सैलरी मिलेगी ना तो यशी के पापा ना उसका हाथ प्यार से मेरे हाथ में दे देंगे, समझ रहा है ना? Congratulations and celebrations. किसका इंतजार कर रहा है? चल ना। डाउनलोड करना ना भूले, और यहाँ एक गोल बटन आ रहा होगा जिसपे हसले वरे से लिखा है, प्लीज इसे दबा दो यार। दूसरे एपिसोड का वेट करो, बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया सरप्राइजेस है। बाय बाय।